हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी आज हम आपको सीबीएसई के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पांच अपडेट के बारे में बताने जा रहे हैं इस वीडियो में तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहेंगे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके काम आएंगे एग्जाम से लेके टर्म वन के दोस्तों ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सी बी एस ई की डेट शीट आ गई है ये देख सकते हैं आप ये अलग अलग व्हाट्सएप अलग अलग ग्रुपों में ये सेंड हो रही है फॉरवर्ड हो रही है ये सी बी एस ई की डेट शीट है प्लीज़ आप इस पर विश्वास मत कीजिए ये फेक ड्रेसेट ही आप ग्रुपों में व्हाट्सअप में देखने को आपको मिले हो गए जब भी ओरिजिनल ड्रेसिट आती है हम आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ये देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप व्हाट्सएप में सेंड हुए जा रहे हैं ये सी बी एस सी ड्रेससीट ये फेक है पूरा ये काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सी बी एस सी की ड्रेससेट आ गई अभी नहीं आई है सीबीएसई ने दसवीं बारह की परीक्षा की डेट सीट जारी करने की घोषणा की आज शाम पांच बजे तक आपके सीबीएसई की परीक्षा कि रिजल्ट डेट सीट आ जाएगी तो प्लीज चैनल पर बने रहिए सीबीएसई ने काफी बड़े बदलाव किए जो कि आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सीबीएसई ने दो में फर्स्ट टर्म की परीक्षा को लेकर काफ़ी बड़े बदलाव के इन्होंने परीक्षाएं नब्बे मिनट की कर दी गई है और प्लस टाइमिंग में भी काफ़ी चेंज आ रहा है पहले साढ़े दस बजे थी अब साढ़े ग्यारह बजे टाइमिंग कर दी गई है और प्लस पहले रीड करने का टाइमिंग पंद्रह मिनट था अब ट्वेंटी मिनट हो गया है तो जिससे काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है प्लस सीबीएसई ने घोषणा की है और प्लस आपके जो एग्ज़ाम होंगे ये होम एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके स्कूल में ही एग्ज़ाम होने वाले हैं क्योंकि सीबीएसई का मानना है कि कोरोना वायरस के चक्कर में एग्जाम सेंटर काफ़ी कम हो जाएंगे और क्योंकि एक क्लास में ट्वेल्व बच्चे बैठने के अनाउंसमेंट्स की गई है जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में इतने बच्चे को अरेंज नहीं कर पाएंगे सीबीएसई केंद्रबोध ये सब अभी अरेंज करिए काफी अपडेट है न्यू अपडेट है ये आते रहेंगे आपको हम इन्फॉर्म करते रहेंगे तो प्लीज वीडियो में और ये आपके टर्म 1 के एग्जाम जो बैठना कंपल्सरी है क्योंकि ये आपके फाइनल के लिए नंबर जुड़ेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर कंपल्सरी है और इसमें ये भी बताया गया अगर कोरोना वायरस रहा तो पिछले टर्म का एग्जाम नहीं होंगे तो ये आपके फाइनल रिजल्ट बन सकता है ये जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम है तो एग्जाम देना कंपलसरी है कोई भी बच्चा एग्जाम मिक्स ना करे और प्लस आपके ये जो भी एग्जाम होने वाले अपडेट मिलते रहेंगे हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे आपके आज डेट सेट आ जाएगी शाम पाँच बजे तक तो हम आपको बता देंगे और आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे आपके होम बोर्ड होंगे आपके स्कूल में ही एग्ज़ाम दिए जाएंगे आज अट्ठारह अक्टूबर है आज ही डेट सेट आने वाली है और इसमें आपको नब्बे नंबर के पेपर होंगे और एम पेपर होने वाले हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं एम क्वेश्चन आने वाले हैं आप सही आंसर दीजिएगा और ये आपके पास मार्क्स होंगे ये आपके रिजल्ट में काम आएंगे फाइनल रिजल्ट में आपके जुड़ने वाले हैं और इसमें काफी बड़ा चेंज आया क्योंकि इसमें ना ओनली बारह बच्चे केंद्र शासित प्रदेश ये सब मिलके आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ये होम एग्जाम हो, हो। क्योंकि बोर्ड में इतने बच्चे को कंपल्सरी नहीं हो पाएगा वो सब अभी विचार कर रहे हैं जब भी होते हैं हम आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन सबसे सब पहले मिलने के लिए और इसमें सैम्पल पेपर के लिए आपको चाहिए तो हम कमेंट कर सकते हैं हम सैंपल पेपर दे सकते हैं मॉक जो भी आपके एग्जाम होने वाले टर्म वन के उसके एम सी क्यू क्वेश्चन वाले तो आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं पचास परसेंट नंबर आपके कंपल्सरी है इसमें आना और जो भी आपके विषय वो दो भागों में बांटे जाएंगे चौबीस नवंबर से एग्जाम होंगे आपके फर्स्ट और सेकेंड के इस क्योंकि इनमें बच्चों की संख्या कम है इसके इन्वास वाले सब्जेक्ट में तो वो पहले होंगे उसके बाद वो होंगे मैनेजर सब्जेक्ट के और आपको सैंपल पेपर सब वेबसाइट पर मिल जाएंगी आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है आप वहाँ हमसे ज्वाइन हो सकते हैं कोई भी अपडेट सी बी एस ई के सबसे पहले आपको वहाँ मिलेगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए सीबीएसई के नए चेंज के बारे में नए अपडेट के बारे में कि ये नए नए रूल सीबीएसई के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि ये नए नए चेंज आ रहे हैं क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, था ये इसी साल में हो रहा है और आपके एग्ज़ाम होने वाले ये भी शायद हो सकता है ऑफलाइन एग्ज़ाम हो अगर कोरोना वायरस रहा तो आपके ऑनलाइन भी एग्ज़ाम होने के चांसेस हो सकते हैं आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है इस वीडियो को कि उन्हें भी पता चल सकते उनके अपडेट के बारे में सीबीएसई के बारे में कि सीबीएसई नए नए चेंज करिए नए नए अपडेट दे रही है आप सबके स्टूडेंट के लिए हम आपको अपडेट देते रहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू